वेलकम टू आवर चैनल हाय ट्विंस। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार रेसिपी जो है मसालेदार छोले। तो गाइस छोले एक बेसिक रेसिपी है जो वेडिंग में, पार्टी में या फिर वीकेंड्स में बनती ही बनती है। तो इसलिए आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ मसालेदार छोले। तो विदाउट मजादू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दी कहाँ से शुरुआत करनी है बताइए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने छोले की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने छोलों को ओवरनाइट सोक करके रखा था और मैंने इसको मॉर्निंग में 5-6 सीटी देके अच्छे से उबाल लिया था। आप देख लीजिएगा, ये देखिए गाइस बहुत आराम से ये गल रहे हैं। तो आपको ऐसे कम से कम 5-6 विसल दे करके उबाल लेना है छोलों को अच्छे से। और इसमें हमने डाल दिए थे 3-4 आंवला जिससे इसका कलर ब्लैक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस जब आप छोलों को उबालें उसमें तब 4-5 आंवला डाल दीजिए, नहीं तो जो टी बैग्स होते हैं तो आप 2 टी बैग्स डाल करके इनको उबालेंगे तो उनका कलर काफी अच्छे से ब्लैक हो जाएगा। और अब हम चलते हैं छोलों के मसाले की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई चला दी है और हमने इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2.5 बड़ी वाली कलछी भर के मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है जीरा। अब हम इसमें डालेंगे बेल लीव्स यानी कि तेजपात का पत्ता, पिंच ऑफ हींग। गाइस यहाँ पे मैंने डाला है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और लौंग यानी कि क्लव्स। इनको पीस करके मैंने एक पाउडर बनाया है। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने ये डाल दिया है और इसको डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनियंस। तो गाइस यहाँ पर चॉप करके मैंने अनियंस ले लिए हैं, ये 2 बिग अनियंस है और ये मैंने डाल दिया है। और गाइस अनियंस को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। सो गाइस जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम करते हैं कुछ गपशप। तो दी बताइए कुछ छोले के बारे में, छोले से रिलेटेड कुछ भी बताइए। छोले से रिलेटेड छोले गाइस सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बताइए कि छोले के साथ आपको ब्रेड में क्या खाना पसंद है, लाइक भटूरे, रोटी, पराठा, पूरी, राइस या खुद ब्रेड, कहीं तो ब्रेड से भी खा लीजिए। छोले कुलचे आई थिंक छोले कुलचे पॉपुलर जो डिश है ये दिल्ली की। अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हमारे अनियंस और इसी स्टेज पे गाइस हम डालेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर। तो अराउंड 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हमने डाला है रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और साथ में हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम टमाटर और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट अपनी ग्रेवी में डालते हैं। तो गाइस टोमेटो प्यूरी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर। तो ये 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर है और उसके बाद हम कलर के लिए यूज करेंगे कश्मीरी मिर्च। तो ये अराउंड 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च। और गाइस हमारे छोलों का मेन इंग्रेडिएंट जिसके बिना हमारे छोले हैं इनकम्प्लीट, हम इसमें डालेंगे चना मसाला। तो ये गाइस हमको 2.5 डालना है, 2.5 स्पून। तो 1, 2 एंड 1/2 गाइस चना मसाले के साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने छोलों को काफी अच्छा सा टेस्ट देने के लिए अनारदाना पाउडर। तो ये हमारे पास है 1/4 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर। इससे हमारे जो छोले हैं उसका टेस्ट एकदम बाजार जैसा आ जाएगा। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। बस हमको इसको ज़्यादा नहीं सिर्फ 4-5 मिनट्स अच्छे से भूनना है ताकि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो गाइस कलर आप देख सकते हैं अभी से इतना अच्छा इतना प्यारा आ चुका है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं आफ्टर 4-5 मिनट्स हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो गया ग्रेवी से। इस स्टेज पे हम डाल देंगे जिंजर और ग्रीन चिली और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अराउंड 2 टेबल स्पून देसी घी। तो गाइस यहाँ पे 2 टेबल स्पून देसी घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है छोले की ग्रेवी का। और गाइस अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वाटर। तो गाइस अराउंड 1/2 कप हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। अब बस गाइस थोड़ी सी देर हमारा जो वाटर है वो बॉयल होगा, उसके बाद हम अपने सारी ग्रेवी को अपने छोले में मिक्स कर देंगे। तो बस वेट करते हैं थोड़ी सी देर, 2-3 मिनट्स और। तो गाइस देखिए अब हमारा
ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, वाटर एकदम रिड्यूस होकर के हाफ हो चुका है और हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है छोलों के अंदर जाने के लिए। ये देखिए जो कि अच्छे से गल चुके हैं, थोड़े से छोले हम इसमें से निकालेंगे और अपने ग्रेवी में डालेंगे। आप याद रखें जब आप छोले इसमें डालें तो थोड़े से छोले आपकी जो कलछी है उसी से ही ऐसे करके मैश कर लें ताकि ग्रेवी आपकी थोड़ी सी अच्छे से थिक हो जाए। तो गाइस देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छे से थिक हो चुकी है, छोले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो गाइस अब ये सारी ग्रेवी जाती है हमारे छोलों के अंदर। तो जी बनकर बिल्कुल रेडी है हमारे मसालेदार छोले। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ऐसे ही यम्मी यम्मी रेसिपी जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। होप गाइस आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको करना क्या है, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। हाय गाइस, ये बाय। बहुत ही मजेदार रेसिपी जो है मसालेदार छोले। तो गाइस मसालेदार छोले तो बेसिकली छोले बहुत ही बढ़िया होते हैं छोले। और उन्हें खा के बोलता है दिल ओले 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 ओले।